कल रात में पुलिस को खबर मिला था कि सुंदरगांव के जो ऑर्डरस्कट है नौगांव में, वहाँ पर 3-4 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही रात में 2 बजे फायरिंग शुरू हो गया। ऑपरेशन को पहले हम रोक दिए, सिविलियन को घर से बाहर निकाले और अभी ऑपरेशन ओवर हो गया, जिसमें लश्कर तोबा के 3 टेररिस्ट मारे गए और 1 AK-47 2 पिस्टल मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 10 दिन पहले खुनमो के सरपंच समीर अहमद भट्ट साहब का किलिंग हुआ था, उसमें 3 टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। ये आइडेंटिफाई हुआ है आदिल तेली कहकर और दूसरा साकिब है तांत्रे सोपियन का, तीसरा मौसम अली उमर तेली है और उसके फैमिली को बुला रहे हैं। 3 लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है और 3 PRIs जो PPs होते हैं, सरपंच पंच पर बार बार अटैक करते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो जितनी अटैक में हैं, जैसे कुलगाम में सरपंच को मारा गया तो उसके सारे मुरल को मतलब बस करके अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया है। CRP वाले को मारा उसको मतलब पकड़ लिए हैं, उसको अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया, वेपन्स हो गया है। चाहे बडगांव वाला जो किलिंग था आर्मी के जवान का हो गया, और अभी ये बाकी था खुनमु के सरपंच वाला, ये भी सॉल्व हो गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठीक से चले, ग्रास रूट पर डेवलपमेंट नहीं हो, इसलिए सरपंच पंच को जो सॉफ्ट टारगेट है इस पर टारगेट इसको अटैक किया करवा रहा है लोग। लेकिन हम लोग भी मुंह तो जवाब दे रहे हैं और आइडेंटिफाई के इसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़ रहे हैं, इसको PSA लगा रहे हैं और कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं।